टुडे क्लास इज अबाउट ऑफ व्हाट यू हैव लर्न्ड। आज की क्लास हमारे रिलेटेड है जो भी हमने हमारे इस चैप्टर 9 में पढ़ा है सर्कल एस एन जेड में, आज हम वो रिवाइज करेंगे। ठीक है, अ स्मॉल सर्कल इज यूज टू रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ एस और सी। जो स्मॉल सर्कल हम यूज करते हैं वो किसकी साउंड को रिप्रेजेंट करता है, एस और जे की। द सर्कल व्हेन स्टैंडिंग अलोन इज रिटन विथ लेफ्ट मोशन। जब ये सर्कल जो है वो अकेला लिखा जाता है किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ तो वो लेफ्ट मोशन में लिखा जाता है। द सर्कल इज रिटन विथ लेफ्ट मोशन व्हेन अटैच्ड टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स इनसाइड द कर्व स्ट्रोक एंड आउटसाइड द एंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। ये जो सर्कल है हमारा वो लेफ्ट मोशन में जब हम अटैच करते हैं हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ तो भी लेफ्ट मोशन में लिखा जाता है, जब हम उसको अटैच करते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ। जब कर्व के इनसाइड लिखा जाता है, कर्व के अंदर लिखा जाता है तो भी लेफ्ट मोशन में ही सर्कल हमारा लिखा जाता है। एंड जब दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स एक एंगल फॉर्म करते हैं, जब एक एंगल फॉर्म्ड होता है दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स के जॉइनिंग पे तो भी ये लेफ्ट मोशन में ही लिखा जाता है। इनिशियली इट रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ एस ओनली, बट मिडली एंड फाइनली इट रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ आइदर एस और सी। इनिशियली सिर्फ जो हमारा सर्कल है वो एस की ही साउंड को रिप्रेजेंट करता है, बट मिडिल में और फाइनल में किसी की भी स्ट्रोक के मिडल या फाइनल में आए तो वो दोनों एस और जी की साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये है हमारा सर्कल एस का हमारा छोटी सी समरी। आपने बाकी की और क्लासेस भी मैंने टॉपिक वाइज अलग अलग सब एक एक टॉपिक अलग अलग सेपरेटली समझाया है। जिन्होंने वो सारी क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ देख लीजिए। आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो इट वुड बी ईजी फॉर यू, यू कैन चेक फ्रॉम हेयर। एंड इवन आई क्रिएटेड द प्लेलिस्ट ऑफ एवरी चैप्टर सो इट ऑल्सो ईजी फॉर यू टू फाइंड द ईच एंड एवरी चैप्टर। ओके, सो ये था हमारा क्लास आज की सर्कल एस की। There. Subscribe to my channel and also press this bell icon.